नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 का मुकाबला नंबर 58 राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उनको तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान रॉयल्स टीम के एक स्टार खिलाड़ी अचानक घर लौट गए, और अचानक घर लौटने के पीछे की वजह क्या है और आरआर टीम ने अपने फैंस को इस बारे में क्या जानकारी दी है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को प्रबल दावेदार यानी जीत की दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। और राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने 11 मुकाबलों में 7 मुकाबले जो हैं वो जीते और पॉइंट्स टेबल पर यानी अंक तालिका में नंबर 3 पर विराजमान है। और जो 12वां मुकाबला आरआर की टीम को खेलना है 11 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, उस मुकाबले से पहले टीम के स्टार फिनिशर, टीम के स्टार बल्लेबाज शिमरन हेटमायर अपने घर लौट गए हैं। और अपने घर जो वो लौटे हैं उसके पीछे की वजह एक बहुत अच्छी वजह है, हम कह सकते हैं कि उसके पीछे की जो वजह है वो बहुत अच्छी है। आरआर टीम ने ट्वीट करके इस बाबत जो है जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शिमरन हेटमायर जो है वो अपने घर लौटे हैं और वो पिता बनने वाले हैं, इस वजह से वो घर लौटे हैं। उम्मीद है कि वो जल्द मुंबई आएंगे और टीम के साथ जुड़ेंगे और अपनी जो सेवाएं हैं वो देंगे। और क्योंकि टीम को जो है उम्मीद है कि टीम फाइनल्स तक का सफ़र तय करेगी, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई तो निश्चित तौर पर करेगी, तो शिमरन हेटमायर जैसे बल्लेबाज की कमी टीम को ज़रूर खलेगी, निश्चित तौर पर खलेगी। इस वजह से आरआर टीम ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि वो जल्द मुंबई आएंगे, यानी मुंबई में आईपीएल इस समय हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द मुंबई लौटेंगे और टीम के साथ दोबारा से जुड़कर टीम में अपनी सेवाएं देंगे। अब इस खबर को जानने के बाद आप लोगों की क्या राय है, क्या शिमरन हेटमायर की गैर हाजिरी में राजस्थान रॉयल्स के जो अभी बचे हुए लीग मैचेस है उसमें कितना इसका इम्पैक्ट होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शिमरन हेटमायर अगर बाहर होते हैं तो उनको कौन रिप्लेस कर सकता है प्लेइंग 11 में, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।